Hello students, in this video we are going to discuss chapter 3 that is types of software. तो इस वीडियो में हम types of software को discuss करने वाले हैं. In previous chapter we have learned about computer hardware. तो पिछले chapter में हमने computer hardware के बारे में पढ़ा था और इस chapter में हम computer software के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so firstly let's discuss the introduction part of this chapter. So students, have you ever wondered how does hardware know what task it is required to do? तो कभी आपने imagine किया है इस चीज़ को कि तो कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि जो हार्डवेयर होता है हमारा उसे कैसे पता चलता है उसे क्या काम करना है, किस तरीके से उसे ऑपरेट होना है, ये कैसे पता चलता है उसे कि क्या काम करना है उसे हार्डवेयर को. एंड अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच डज नॉट पॉसेस एनी इंटेलिजेंस. तो कंप्यूटर क्या है हमारी, एक ऐसी मशीन है जिसके पास में कोई इंटेलिजेंस तो है नहीं. तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा वो किस तरीके से वर्क करेगा. सो कंप्यूटर बेसिकली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर. तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो यूजर उसे देता है. जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं वही इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक अ कार विदाउट ड्राइवर. मतलब बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कैसा है, जैसे कि कार जो है हमारे उसके अंदर कोई ड्राइवर ना हो तो जैसे वो कार होगी वैसे ही हमारा कंप्यूटर है. क्योंकि जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेंगे तो किस तरीके से वो ऑपरेट होगा. कंप्यूटर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे दिए जाते हैं उसके बेस पे ही वर्क करता है. सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम. तो कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम. सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम. एंड द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज लाइक व्हाट टू डू हाउ टू डू इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर. तो जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कि क्या करना है किस तरीके से करना है उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट. मतलब क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. विदाउट अ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. सिमिलरली इफ हार्डवेयर इज नॉट देयर सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज. मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट है. अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा और कंप्यूटर में और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है फिर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर चाहिए रन कराने के लिए. कंप्यूटर हैज रिवोल्यूशनाइज द ट्रेडिशनल मेथड यूज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी. तो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, बहुत बड़ा चेंजेस आ चुके हैं. द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन दीज डाइवर्स डोमेन हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर का अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो इंट्रोडक्शन था ये डिस्कस कर लिया हमने. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क. तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो कि हमारे कंप्यूटर को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स के टास्क को. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सॉफ्टवेयर एक्चुअली. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर दैट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स जो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को कि किस तरीके से किसी टास्क को परफॉर्म करना है. And a software enhances the capability of hardware and direct the computer to perform operations like input, processing and output. और देखिए software क्या करता है हमारे hardware की capability को enhance करता है और direct करता है computer को perform करने के लिए operations like input, processing and output. Okay. Software can be classified into two types. First one is system software and second one is application software. So now let's talk about the classification of software. We can classify software into two types. First one is सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसके भी हमारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड थर्ड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स एंड फोर्थ वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो दीज आर द सॉफ्टवेयर विच कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनको हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Third one is customized application software. So this is how we can classify softwares. So now we will discuss these all software one by one. So firstly we will talk about system software. So what are the system software? It is a collection of one or more program which are designed to control the overall operation and performance of computer system. तो देखिए system software क्या होते हैं, ये collection of one or more program होते हैं और ये किसलिए डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस और ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशन और परफॉर्मेंस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर. तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में. मतलब कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर को जिससे कि दोनों आपस में कम्युनिकेट
कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? फर्स्ट वन इज टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। तो पहला फंक्शन हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये क्या करता है, डेटा को इनपुट डिवाइसेस से रीड करता है। ये फंक्शन हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। एंड सेकंड वन इज टू ट्रांसमिट द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइसेस। और सेकंड फंक्शन क्या है, ये ट्रांसमिट करता है जो भी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटपुट डिवाइसेस को। ओके, एंड थर्ड वन इज टू चेक द वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। और ये क्या करता है, आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, उन सारी डिवाइसेस के वर्किंग ऑर्डर को चेक करता है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। एंड फोर्थ वन इज कन्वर्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म दैट कैन बी इजीली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, जिससे कि कंप्यूटर उसको इजीली समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बाइनरी फॉर्म को ही समझता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो और एप्लीकेशन आपके कैसे चलेंगे। तो ये दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि वो आपके कंप्यूटर पर रन हो पाए। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब क्या है, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करते हैं। मतलब कि अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर आपको इंस्टॉल करके देता है। और बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। एंड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स, एंड फोर्थ वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमने अभी डायग्राम में भी देखे थे। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज कैटेगरीज। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बीइंग अ मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग इट्स ओन, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, फर्दर द इंस्ट्रक्शन आर टू बी कन्वर्टेड इन अ लैंग्वेज विच अ मशीन अंडरस्टैंड। तो मतलब क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मतलब अपने आप से कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, उसे क्या चाहिए होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है कि किस कौन सा वर्क परफॉर्म करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके लिए उसे इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं कंप्यूटर को। और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कन्वर्ट होने होते हैं एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर इजिली समझ पाए, जैसे कि हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज वी वेरी वेल नो कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो उस लैंग्वेज में क्या होते हैं, हमारे वो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होते हैं। सो इट मीन्स दैट द यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, thus we require an interface between the user and hardware, all computer resources। तो मतलब यूजर कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हो सकते, मतलब तो हमें क्या चाहिए होता है, एक इंटरफेस चाहिए होता है जो कि हमारा और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करवा सके। मतलब बीच में एक इंटरफेस चाहिए हमारा ऐसा जो क्या करे, हमारे मीडिएटर का काम करे, जिससे कि हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाए और कंप्यूटर की बात को हमें समझा पाए। तो बीच में हमें एक मीडिएटर चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए जो कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर से करवा सके। सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस। मतलब क्या, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही फिर वो इंटरफेस का काम करता है। जो इंटरफेस हमें चाहिए होता है वो इंटरफेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ मास्टर प्रोग्राम विच मेक्स अवर पीसी अलाइव एंड हेल्प्स टू डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही वो हमारे इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं उनको इंटरप्रेट कर पाता है। और हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा मास्टर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में जान डालता है और दूसरे एप्लीकेशन को भी चलने में हेल्प करता है, जैसे कि वो और एप्लीकेशन है वो भी हमारे कंप्यूटर पर रन हो पाए। सो वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। द प्रिंसिपल हैज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग मैनेजिंग द स्कूल, लाइक सुपरवाइजिंग स्टूडेंट, टीचर्स एंड वर्कर्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, एनालाइजिंग एग्जामिनेशन स्केड्यूल, टाइम टेबल्स, करिकुलम, मीटिंग पेरेंट्स एंड विजिटर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से हमारे स्कूल प्रिंसिपल की तरह होता है, जैसे कि प्रिंसिपल की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि स्टूडेंट का सुपरविजन करना, टीचर्स का करना, वर्कर्स का करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, एग्जामिनेशन के शेड्यूल को एनालाइज करना, टाइम टेबल्स को चेक करना, करिकुलम को देखना, ठीक है, पेरेंट्स से मीटिंग करना। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल के बहुत सारे टास्क होते हैं। सो इन द सेम वे अ नंबर ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर को। बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन स्कूल एवरीथिंग विल बी अनऑर्गेनाइज्ड। कि सोचिए कि अगर स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सिमिलरली इफ देयर विल बी नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो इसी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर भी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से सेंट्रल कोऑर्डिनेटर काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द वे इट इंटरेक्ट्स विद द यूजर। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी होती है, एक होता है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं
GUI को. GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्राफिक बेस्ड एंड इंटरेक्टिव इन नेचर. यू कैन यूज सेवरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम. तो देखिए, इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ग्राफिक बेस्ड होते हैं, कि मतलब इसमें जो सारा वर्क होता है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं. मतलब माउस का बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है तो आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं. मतलब किसी फोल्डर के अंदर जाना है, किसी फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ माउस भी आप कर सकते हैं. सारा कुछ आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में मिलता है. आइकन्स होते हैं इसमें, ठीक है. तो ये इंटरेक्टिव होता है, आइकन्स वगैरह भी इसमें होते हैं. विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाउडेज. तो विंडोज जो है वो हमारा GUI बेस्ड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट CUI ऑपरेटिंग सिस्टम. तो CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स यू टू टाइप कमांड इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम. तो देखिए, इस टाइप के CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपको हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमांड टाइप करनी होती है. मतलब यू हैव टू टाइप अ कमांड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क. मतलब आप ऐसा नहीं है कि माउस की हेल्प से सारा वर्क कर पाए, यहाँ पे आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी. कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको कमांड की हेल्प से करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू क्रिएट एन फोल्डर तो वो भी आपको उसकी हेल्प से करना पड़ेगा, वो उसके लिए भी आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी. तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मोस्टली वर्क आपका कमांड की हेल्प से ही होता है. मतलब टाइपिंग करके ही आपको करना पड़ेगा. सो यूनिक्स एंड डॉस आर पॉपुलर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये जो MS DOS और यूनिक्स है, ये हमारे काफी पॉपुलर CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आई होप आपको GUI और CUI दोनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गए होंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट मी टेल यू द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो चलिए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट. इट ऑल्सो इंश्योर दैट ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिसीव इनफ टाइम बाय द प्रोसेसर टू परफॉर्म फंक्शन प्रॉपरली. तो प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर का मैनेजमेंट करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि सभी एप्लीकेशंस को प्रोसेसर से प्रॉपर टाइम मिले किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमंग द मल्टीपल एप्लीकेशन. इट असाइन्स द मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है. तो ये मैनेज करता है कि जो इंटरनल मेमोरी है वो किस तरीके से एप्लीकेशन के बीच में शेयर हो रही है, उस चीज को मैनेज करेगा. और ये अलग अलग प्रोग्राम को मेमोरी प्रोवाइड करता है, और साथ ही मेमोरी को फ्री भी करता है अगर मेमोरी यूज में नहीं है तो. नाउ नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज. तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. ये मैनेज करता है जितनी भी डिवाइसेज हमारी कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, उन सभी डिवाइसेज को मैनेज करता है कि वो सारी डिवाइसेज प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं. तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है. सो नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट भी करता है. ये रिकॉर्ड रखता है हर चीज का कि किस तरीके से फाइल क्रिएट हो रही है, किस तरीके से फाइल डिलीट हो रही है, किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, किस तरीके से स्टोर हो रही है. तो उन सबको ऑर्गेनाइज करके रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट फंक्शन इज एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी. सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर. तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर जो मिसयूज ना हो सके. तो सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड करता है ये हमें, तो ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो. तो ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है. और एरर डिटेक्शन भी करता है, मतलब कोई अगर एरर आपका डिटेक्ट होता है किसी हार्डवेयर से या किसी सॉफ्टवेयर से तो वो भी आपको डिस्प्ले करेगा ये. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज जॉब शेड्यूलिंग. इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन व्हिच एप्लीकेशन शुड रन इन व्हिच ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ईच एप्लीकेशन इन टर्न. तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब शेड्यूलिंग भी करता है. अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, तो ये डिसाइड करता है किस ऑर्डर में एप्लीकेशन ओपन होंगे. मतलब पहला कौन सा एप्लीकेशन ओपन होगा, बाद में कौन सा एप्लीकेशन होगा, उनका क्या शेड्यूल होगा, ये सब डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपन करना, तो वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं. ये फंक्शन भी हमारा किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो जॉब शेड्यूलिंग का भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. सो दीज आर द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, मैकओएस जो कि हमारे एप्पल के कंप्यूटर्स में होता है, एंड लिनक्स. लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अब जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर लिया, जो कि थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पूरा डिस्कस कर लिया है. अब देखेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी को, जो कि हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर. तो चलिए अब देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर को. अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज देन द
मशीन लैंग्वेज दैट इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता है। द प्रोग्रामर्स यूज हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम्स। तो जो प्रोग्रामर है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। दीज कोड्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी कोड विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। सो दिस इज डन बाय द लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यही हमारा काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का, मतलब कि जो प्रोग्रामर हमारे वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं, तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। सो द वेरियस लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज असेंबलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज कंपाइलर। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज प्रोसेसर विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स मशीन कोड, जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है जिस कोड को, उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो तीनों को चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं असेंबलर को। सो व्हाट इज असेंबलर? तो असेंबलर को डिस्कस करने से पहले असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। तो पहले असेंबली लैंग्वेज को समझ लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज वेयर द प्रोग्रामर यूजेस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और नेम्स कॉल्ड निमोनिक्स। तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जहां पे प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर आप कह सकते हैं कुछ नेम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निमोनिक्स कोड, उनको यूज करते हैं। सो एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम यू शुड ट्रांसलेट निमोनिक ऑपरेशन कोड टू दियर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स। तो असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में इसीलिए यूज होता है कि असेंबली लैंग्वेज में जो हम निमोनिक कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है असेंबलर का, क्योंकि डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर उन कोड्स को नहीं समझ सकता। तो हम करते हैं यहाँ पे असेंबलर का यूज। असेंबलर क्या करता है, उन कोड को हमारे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उनको इजीली समझ लेता है। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में इसीलिए यूज होता है। So now we will discuss about interpreter. So what is interpreter? Interpreter converts a program into machine language program line by line and simultaneously executes the converted line. If an error is found, it displays the error and does not process till the error is rectified. तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जिस तरीके से असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज में था, तो ऐसे ही इंटरप्रेटर का काम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हमारा कोड लिखा जाता है, जो भी प्रोग्रामर कोड लिखता है, उस कोड को हमारे मशीन लैंग्वेज में, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम इंटरप्रेटर। ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होता है। और ये जो होता है कोड को कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, मतलब वन बाय वन लाइन को करेगा। सपोज कि 10 लाइन का कोड लिखा हुआ तो 10 लाइन एक बार में कन्वर्ट नहीं करेगा, वन बाय वन ये लाइन को कन्वर्ट करेगा। और अगर कहीं पे बीच में कोई एरर मिल जाता है तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे प्रोसीड नहीं करेगा जब तक कि उस एरर को रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। और इंटरप्रेटर के साथ में एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्लो होता है। बेसिक्स एंड पाइथन आर द एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटर। तो देखिए इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो इंटरप्रेटर को दिया जाता है, मतलब कि उसे बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी सोर्स कोड प्रोग्रामर में लिखा होता है वो हमारा इंटरप्रेटर के पास जाता है। फिर देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और अगर कोई एरर मिलता है तो क्या करता है, उस एरर को रिपोर्ट कर देता है कि ये एरर है, अदरवाइज प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। और फाइनली क्या होता है, वो कोड हमारा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि मशीन कोड में आ जाता है, मतलब कि बाइनरी कोड में वो कन्वर्ट हो चुका होता है। सो दिस इज हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स। आई होप आपको इंटरप्रेटर समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपाइलर। सो व्हाट इज कंपाइलर? A compiler is a computer program that transforms human readable source code of an entire computer program into the machine language code. इट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम एट वन गो। तो देखिए कंपाइलर का भी यहाँ पे सेम ही काम है जो आपका इंटरप्रेटर का था, सेम ही वर्क हमारा कंपाइलर का भी है, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको कन्वर्ट करता है ये बाइनरी में, जैसे कि हमारा इंटरप्रेटर करता है। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये एक ही बार में जितनी भी लाइन का कोड होता है उसको एक बार में कर देता है, ये लाइन बाई लाइन नहीं करता है। जो इंटरप्रेटर था वो हमारा लाइन बाई लाइन कन्वर्ट कर रहा था कोड को, जो भी कोड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको लाइन बाई लाइन कन्वर्ट कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन बाई लाइन कन्वर्ट नहीं करता, ये पूरा का पूरा एक बार में कन्वर्ट कर देता है। सपोज कि 100 लाइन का कोड है तो एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा पूरे को, ठीक है। एंड इफ एन एरर इज फाउंड इट गिव्स द एरर लिस्ट अलोंग विद द लाइन नंबर। और अगर देखिए कहीं पे एरर मिलता है तो ये क्या करता है, बताता है आपको कौन कौन सी लाइन में एरर है, मतलब सारे एरर्स आपको गिना देगा कि यहाँ यहाँ एरर है। सपोज कि आपका 100 लाइन का कोड है उसमें 10 एरर, तो 10 एरर को बता देगा इन लाइंस में एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता था कि जहां पे पहला एरर मिल गया उसे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पहले इस एरर को ठीक करो फिर आगे बढ़ूंगा मैं, उसमें ये था। लेकिन ये क्या करता है, पूरे को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद में आपको एरर डिस्प्ले करेगा कहीं पे एरर कहाँ कहाँ थे, वो सारे एरर आपको बताएगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही मेन डिफरेंस है। ओके, एंड एग्जीक्यूशन विद कंपाइलर इज रिलेटिवली फास्टर, मतलब कि इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। फॉर एग्जाम्पल C++ एंड जावा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर। सो हाउ इट वर्क, तो वर्किंग इसका भी काफी सिमिलर है इंटरप्रेटर की तरह ही। यहाँ पे भी क्या होता है, सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर क्या करता है, उसको पूरे इंटायर कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इंटायर प्रोग्राम जो होता है उसको एक बार में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई एरर मिलता है तो वो एरर को डिस्प्ले कर देता है कि इन लाइन में एरर्स हैं, और फाइनली वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, उस कोड को आपके कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड में, जिससे कि मशीन उसको समझ पाए, मतलब हमारा कंप्यूटर उसको इजीली समझ पाए। ओके, सो दिस इज हाउ कंपाइलर वर्क्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपाइलर भी। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के सेकंड टाइप को, जो कि था हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप को डिस्कस कर चुके हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर को। अब हम करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस, जो कि हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। सो व्हाट आर द डिवाइस ड्राइवर्स?
These are the special program which controls the execution of a particular hardware device. They are used to convert instruction given by the operating system into commands that can easily be interpreted by the specific hardware device. So what are the device drivers? Basically, these are the specific software which are responsible for operating particular type of device. मतलब क्या है डिवाइस ड्राइवर? एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप को डिवाइस को रन करवाने के लिए. सपोज वेन एवर वी परचेस अ न्यू हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचेस अ प्रिंटर ऑफ HP, वी नीड टू इंस्टॉल द प्रिंटर हार्डवेयर विद द इंस्टॉलेशन डिस्क. दिस लोड द न्यू ड्राइवर्स इन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनेबल अस टू यूज द हार्डवेयर. तो सपोज कि आपने अगर नया प्रिंटर खरीदा है, सपोज एक आपने HP का नया प्रिंटर खरीदा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए एक CD साथ में मिलती है, उस CD को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. मतलब इंस्टॉलेशन डिस्क जो मिलती है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें ड्राइवर होता है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे कि आप उस हार्डवेयर को जो प्रिंटर है उसको यूज कर पाएंगे प्रॉपरली. क्योंकि अगर आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो प्रिंटर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. सिमिलरली एवरी हार्डवेयर सच एज अ मॉनिटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, मॉडम एटसेट्रा हैज इट्स ओन ड्राइवर. डिवाइस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर नीड देयर ओन ड्राइवर टू फंक्शन प्रॉपरली. तो इसी तरीके से हर हार्डवेयर का अपना एक ड्राइवर होता है जिसकी वजह से वो हार्डवेयर प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है. अगर वो ड्राइवर उस हार्डवेयर का इंस्टॉल नहीं होगा तो वो हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग कंपनीज के जो हार्डवेयर होते हैं अलग अलग, तो उनके अलग अलग ड्राइवर उन कंपनी के ही इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करते हैं. सो नाउ वी कैन सी अ ड्राइवर इज अ स्मॉल प्रोग्राम कोड विच इज इंस्टॉल इन टू द कंप्यूटर टू इनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. तो हम कह सकते हैं ड्राइवर एक स्मॉल प्रोग्राम कोड है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और हमारे हार्डवेयर को वर्किंग पोजीशन में लेके आता है. तो अब हमने डिस्कस कर लिया थर्ड कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर. तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर. सो नाउ वी विल डिस्कस लास्ट कैटेगरी, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. So what are the utility software? Utilities are the program that support the smooth functioning of a computer. Software utilities are specially designed to help the end user manage the tune of computer hardware software and perform the single task. The utility that we use depend on the operating system running on our computer. So utility program dekhi kya hota hai, utility program hamare computer ki functioning ko smooth karte hain, ye hamare computer ke liye useful hote hain, matlab computer ki functionality ko enhance karte hain ek tarike se ye. Aur kis tarike ki utility software hum apne computer pe use karenge depend karta hai hamare computer pe jo operating system installed hai. Kyunki agar hamare कंप्यूटर पर विंडोज इंस्टॉल है तो हम मैकिंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटी इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें यूटिलिटी रन करा सकते हैं. ओके, सम यूटिलिटीज हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक और क्लीन, एंड सम हेल्प यू टू बैकअप डेटा, सम हेल्प यू टू रिकवर डेटा दैट हैज बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड एंड सो ऑन. द लिस्ट इज एंडलेस. तो इस तरीके से बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं. कुछ हमारी यूटिलिटी होती हैं जो वायरस अटैक से हमें बचाने के लिए काम में आती हैं, बहुत सारी यूटिलिटी होती हैं जो बैकअप के लिए काम में आती हैं, बहुत सारी डेटा को रिकवर करने के लिए काम में, अगर आपसे मिस्टेक से डेटा डिलीट हो गया तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, एंडलेस लिस्ट कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि बहुत सारी यूटिलिटी आपकी होती है. द मेन यूटिलिटी प्रोग्राम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. सो दीज आर द सम कॉमन यूटिलिटीज. फर्स्ट वन इज फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, एंड फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ यूटिलिटी होती है जिनका नाम है बैकअप, सिस्टम रिस्टोर, कंप्रेशन. ठीक है, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी. एंड सेकंड वन इज डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, एंड थर्ड इज वायरस स्कैनर या फिर आप क्लीनर बोल सकते हैं, एंड फोर्थ इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. तो इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट यूटिलिटीज. सो फर्स्ट यूटिलिटी अंडर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, दैट इज बैकअप. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस. एट टाइम्स द हार्ड डिस्क ऑफ अ सिस्टम फेल्स एंड लॉसेस ऑल द फाइल स्टोर इन इट. सो एन इंटेलिजेंट यूजर कीप हिज फाइल इन बैकअप स्टोरेज इन ऑर्डर टू रिस्टोर ओरिजिनल फाइल्स एट द टाइम ऑफ सच फेलियर. करंट वर्जन ऑफ विंडोज हैव बैकअप यूटिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ डेटा, फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव सिलेक्टेड बाय यू ऑन अ रेगुलर शेड्यूल. विंडोज ऑटोमेटिकली कीप्स ट्रैक ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर दैट आर न्यू और मॉडिफाइड एंड एड्स देम टू योर बैकअप. बैकअप यूटिलिटी का यूज क्यों करते हैं? देखिए बैकअप क्या है, बैकअप इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा. मतलब डेटा को रिकवर करने का एक प्रोसेस है बैकअप, कि ऐसे केस में कि जहां पे आपसे एक्सीडेंटली कोई फाइल डिलीट हो जाती है या फिर आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, मतलब कि जो कंप्यूटर में आपके डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फेल होती है. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बैकअप बना के रख सकते हैं अपने डेटा का एक स्टोरेज डिवाइस पे, जिससे कि कभी अगर हमारी हार्ड डिस्क फेल होती है तो हम उसको रिस्टोर कर पाए, मतलब वो डेटा का जो बैकअप हमने बनाया है उसको हम दोबारा से ला पाए. तो इंटेलिजेंट जो यूजर्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो अपना बैकअप बना के रखते हैं, जिससे कि उनका कभी भी हार्ड डिस्क फेल हो तो उसको बैकअप ला पाए वो. तो विंडोज का जो करंट वर्जन है वो बैकअप यूटिलिटी को सपोर्ट करता है, और आप उसमें फाइल, फोल्डर और किसी ड्राइव का भी बैकअप बना सकते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर आर डेल्टा कॉपी, एस बैकअप एटसेट्रा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर. ओके, आई होप आपको बैकअप समझ में आ गया होगा, बैकअप सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है एंड बैकअप यूटिलिटी का काम क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा आपको. अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा.
So now we will talk about next utility under file and folder management, that is system restore. So it is a utility in a Windows to restore your computer files to an earlier point in a time. It is a way to undo system changes in your computer without affecting your personal files such as email, document or photos. System restore option uses a feature called system protection to create and save restore point regular on your कंप्यूटर। तो देखिए सिस्टम रिस्टोर काम क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम रिस्टोर आप क्या कर सकते हैं, आप अर्लियर स्टेज में अपने कंप्यूटर को ले जा सकते हैं। सपोज कि आकर आज आपका कंप्यूटर मिसबिहेव कर रहा है और अगर आपका दो दिन पहले तक कंप्यूटर ठीक काम कर रहा था तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दो दिन पीछे की डेट में ले जाके वहां पर रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब कि आप पिछली डेट में रिस्टोर कर सकते हैं, दो दिन पहले की डेट में जाके इसे रिस्टोर करा सकते हैं जहां पे कि आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, जिससे कि आपकी जो आपकी करंट फाइल्स होंगी उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपकी जो फंक्शनिंग होगी आपके कंप्यूटर की वो दो दिन पहले जैसी हो रही होती है वैसी पहुंच जाएगी आपकी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्टम में, जिससे कि हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिस्टोर कर पाएं। जैसे कि हम फोन को रिस्टोर करते हैं, अगर हमारा फोन हैंग करने लगता है या मिसबिहेव करने लगता है तो हम फोन को रिस्टोर कर देते हैं और फोन हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में आ जाता है, जैसे कि हम परचेस करके लाते हैं उस तरीके का हमारा इंटरफेस उसका हो जाता है। तो सेम भी हमारे कंप्यूटर में भी सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन होता है, जैसे कि हम अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं किसी पुरानी डेट में जहां पर हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। आई होप आपको सिस्टम रिस्टोर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट की नेक्स्ट यूटिलिटी को, जो कि हमारी कंप्रेशन। सो व्हाट इज कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू कंप्रेस फाइल्स। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इंश्योर फास्टर डेटा ट्रांसफर। वी कैन कंप्रेस मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स इनटू अ सिंगल फाइल व्हिच इज स्टोर इन डिफरेंट फॉर्मेट। टू यूज द डेटा इन कंप्रेस फाइल इट हैज टू बी डीकंप्रेस फर्स्ट। विनजिप इज द मोस्ट पॉपुलर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए कंप्रेशन का मतलब क्या है। कंप्रेशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब उसका साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी फाइल का आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटी। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा स्टोरेज कंजप्शन भी कम हो जाता है। मतलब कि जब हमारी फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो वो मेमोरी भी कम लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटी। इसका काम मेनली यही होता है कि अगर किसी भी फाइल को आपको रिड्यूस करना है, साइज कम करना है, तो आप कंप्रेशन यूटिलिटी की हेल्प से कर सकते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है। और किसी भी फाइल को यूज करने के लिए आपको दोबारा से उसे डिकम्प्रेस करना पड़ता है। मतलब दोबारा से डिकम्प्रेस करेंगे, एक्चुअल फॉर्म में लेके आएंगे तभी आप उसको दोबारा से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली कंप्रेस फाइल को। विनजिप एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्रेस करने के लिए यूज होता है किसी भी फाइल को। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूटिलिटी की, जो कि हमारा डिस्क मैनेजमेंट। और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर पहला हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। द स्टोरेज ऑफ अ फाइल इन सेवरल नॉन कॉन्टिजियस एरिया ऑफ अ डिस्क रेदर देन सिंगल कॉन्टिन्यूस यूनिट इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। व्हेन अ फाइल इज स्टोर ऑन अ डिस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस फॉर अ फर्स्ट अवेलेबल फ्री ब्लॉक ऑन द डिस्क एंड स्टोर द फाइल देयर। इफ द फाइल इज टू लार्ज फॉर वन ब्लॉक द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक एंड स्टोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल देयर। दीज ब्लॉक्स मे नॉट बी इन कंटिजियस फॉर्म और मे बी स्कैटर्ड ओवर द डिस्क। दिस फ्रेगमेंटेशन स्लो डाउन द रिट्रीवल ऑफ डेटा। सो टू रिमूव दिस फाइल फ्रेगमेंटिंग अ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम इज यूज्ड दैट रीअरेंज ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इनटू वन कंटिजियस एरिया ऑफ डिस्क एंड कंसोलिडेट द फ्री स्पेस इन अ वन कंटिजियस ब्लॉक। तो देखिए इसका मतलब क्या है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे कंप्यूटर में फाइल्स स्टोर होती हैं तो फाइल जब स्टोर होती हैं तो हमारे क्या होते हैं, वहाँ पे ब्लॉक बने होते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो डेटा हमारे ब्लॉक्स में स्टोर होता है हार्ड ड्राइव में। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है तो डेटा एक ब्लॉक में नहीं आ रहा, उसका एक ब्लॉक में अगर सपोज नहीं आ पा रहा है तो जितना पार्ट एक ब्लॉक में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम उतना एक ब्लॉक में स्टोर कर देता है और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है वो दूसरे ब्लॉक में स्टोर कर देता है। बट जो दूसरा ब्लॉक है वो जरूरी नहीं है उसके ब्लॉक के बराबर में ही होगा, उसके पास में ही होगा, वो ब्लॉक हो सकता है उससे काफी दूर हो या किसी और प्लेस पे हो, मतलब वो पता नहीं कहां पे होगा, वो इधर उधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है वो हार्ड ड्राइव पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं वो बराबर में नहीं होते हैं, मतलब आसपास नहीं होते हैं, और डेटा एक ब्लॉक से ज्यादा कई ब्लॉक में स्टोर हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेगमेंटिंग होती है और फ्रेगमेंटिंग में फिर क्या हो जाता है, हमारे डेटा का रिट्रीवल स्लो हो जाता है। मतलब हम जब डेटा एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर में, मतलब हार्ड ड्राइव पे, तो वो बहुत स्लो होता है। कई बार आपने देखो किसी फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो फोल्डर बहुत टाइम लेता है ओपनिंग में। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ओपनिंग ऑफ फाइल्स क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। रिट्रीवल ऑफ डेटा बिकम वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाता है रिट्रीवल ऑफ डेटा, मतलब स्लोली एक्सेस होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन फीचर यूज करते हैं, जो क्या करता है, हमारा दोबारा से उन सब फाइल को सर्च करता है और ऐसे चेक करता है, ऐसी ही फाइल को चेक करता है जो कि एक से ज्यादा ब्लॉक में स्टोर हो रही हो, तो उनको क्या करता है, रीअरेंज करता है, कोशिश करता है कि एक ही ब्लॉक में वो डेटा स्टोर हो जाए। और अगर एक ब्लॉक में नहीं हो पा रहा तो वो क्या करता है, उन सारे ब्लॉक्स को एक ही साथ में, मतलब उन सारे ब्लॉक्स को कॉन्टिजियस फॉर्म में लगाता है, मतलब कि पास पास लगा देगा उन सब ब्लॉक्स को, तो जिससे कि आपका रिट्रीवल ऑफ डेटा क्या होता है, इजी हो जाता है। तो यही काम होता है हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन फीचर का।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यही बता देता हूँ इस फीचर को यूज किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर, ठीक है। और अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा सिस्टम टूल्स, तो सिस्टम टूल्स के अंदर चले जाना है। और सिस्टम टूल्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, ठीक है। और हो सकता है डिफ्रेगमेंटेशन के नाम से आ रहा हो विंडोज 7 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जिस ड्राइव को भी डिफ्रेगमेंट करना है उस ड्राइव को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एनालाइज पे क्लिक कर देंगे करेंगे उसके बाद में आपका फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव को अपने डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी, दैट इज डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप देखिए क्या करता है, इट सर्चेज द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव फॉर अननेसेसरी फाइल दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑक्यूपाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस। इट हेल्प्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस बाय डिलीटिंग दीज फाइल्स विच कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, रिसाइकल बिन फाइल्स, विंडोज टेम्प्रेरी फाइल्स एटसेट्रा। सो डिस्क क्लीनर फीचर का काम क्या होता है, डिस्क क्लीनर फीचर जो होता है वो हमारा अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि जो हमारी टेम्प्रेरी अननेसेसरी फाइल पड़ी हुई है जो बहुत टाइम से यूज नहीं हो रही है हमारे कंप्यूटर में, जो फालतू का स्पेस घेरी हुई है, तो ऐसी फाइल्स को हम डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क क्लीनर फीचर, ठीक है। तो इस फीचर को कैसे यूज करते हैं इसे भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर नहीं स्टार्ट पे जाना है तो स्टार्ट पे आगे डायरेक्टली आप डिस्क क्लीनअप लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखेंगे तो डिस्क क्लीनअप आपको टॉप पे दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सिस्टम टूल के अंदर जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी और इसमें से आपको डिस्क सिलेक्ट कर लेनी है जिसका भी आपको क्लीनअप करना है, ठीक है। तो सपोज मैं कर लेता हूँ सी और मैंने किया यहाँ पे ओके। ओके करते ही देखिए कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, कैलकुलेट कर रहा है कितनी टेम्प्रेरी फाइल्स आपकी हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखा है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, और टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स, ठीक है, और जो डाउनलोड फाइल है वो सिलेक्ट नहीं कर रखी है। अगर आप चाहें तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो इनको डिलीट कर देगा टेम्प्रेरी फाइल्स को। मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, ठीक है। तो डिलीट फाइल पे कर देंगे तो आपको ये डिलीट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिलीट कर देने लगा, ये देखिए, ठीक है, इसने ये डिलीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्क क्लीनअप किस तरीके से यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी, दैट इज वायरस स्कैनर और क्लीनर, ठीक है। तो वायरस स्कैनर और क्लीनर का देखिए काम क्या होता है। सो इन टूडेज डिजिटल एरा वेयर ऑल वर्क इज बींग डन ऑन कंप्यूटर, इट इज इम्परेटिव फॉर यूज टू सेफ गार्ड आर डेटा फ्रॉम वायरस। सो वॉट इज वायरस, वायरस इज एन मिलीशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड मेक योर कंप्यूटर अनस्टेबल। तो वायरस क्या होता है, एक तरीके से कोड होता है, मिलीशियस प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, मतलब कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब करता है। एंड वॉट इज एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू आइडेंटिफाई प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को रिमूव करने के लिए ही यूज होता है, जो कि हमारा एक प्रोग्राम होता है जो कि वायरस को निकालने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में से, जो भी वायरस होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करेगा और उनको रिमूव कर देगा। एंड एंटीवायरस परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन अ कंप्यूटर, क्या करता है देखिए, स्कैन द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर वायरस, ठीक है, चेक करता है, स्कैन करता है कंप्यूटर की फाइल्स को कि उसमें वायरस तो नहीं है। आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम अदर कंप्यूटर, आइडेंटिफाई करता है सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है कोई, मतलब कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। रिमूव द प्रोग्राम विच इंडिकेट इन्फेक्शन, ऐसे प्रोग्राम को रिमूव कर देता है जो इन्फेक्शन शो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर लगता है कि इन्फेक्टेड है, वो उनको रिमूव कर देता है। एंड वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट हैविंग एन एंटीवायरस इन अवर कंप्यूटर डज नॉट गारंटी द 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, एज द इंस्टॉल एंटीवायरस वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट न्यू वायरस प्रोग्राम। वी शुड कीप अपडेटिंग अवर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस फ्रॉम द इंटरनेट। तो मतलब क्या है इसका, अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा तो इसकी 100% गारंटी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। आपको एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहना है क्योंकि मार्केट में रोज नए वायरस आते हैं, इंटरनेट में न्यू वायरस आते रहते हैं। तो आपको अपने एंटीवायरस की डेफिनेशन को अपडेट करते रहना है, मतलब अपना एंटीवायरस अपडेट करते रहना हमेशा इंटरनेट से, जिससे कि न्यू वायरस जो आ रहे हैं वो उन्हें भी पकड़ पाए वो। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम एज फॉलो, तो कुछ पॉपुलर एंटीवायरस आपके ये हैं, नॉर्टन है आपका नॉर्टन एंटीवायरस, नंबर 2 मैकैफे एंटीवायरस, नंबर 3 एविजे एंटीवायरस, नंबर 4 क्विकहिल एंटीवायरस। सो दीज आर सम कॉमन एंड पॉपुलर एंटीवायरस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट यूटिलिटी, दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of data into a form that cannot easily be understood by anyone except those who have special information usually referred as a key. This is done using an algorithm called cipher. तो देखिए encryption क्या है, encryption एक process है convert करने का information को into coded form, ठीक है, किसी coded form में unreadable form में convert करने का process है, जिससे कि वो code, जिससे कि वो information कोई और read न कर पाए, उस पर कोई key लगा सकते हैं आप, जिसके पास में वो key होगी सिर्फ और सिर्फ वही person उसको देख पाएगा, otherwise कोई person उसको information को read नहीं कर पाएगा, encryption हो जाएगा, मतलब encrypt हो
जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा उसको, ऐसी फॉर्म में डिस्प्ले होगी जो वो पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनक्रिप्ट हो जाएगी, अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस होता है वो एक एल्गोरिथम की हेल्प से होता है, जिसे हम बोलते हैं साइपर। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इज इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन रेफर्ड एज साइपर टेक्स्ट, ठीक है। जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन इज प्राइमरली यूज इन डिफेंस सर्विसेज, इट इज इवन यूज इन सिविलियन सिस्टम लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल सिस्टम एटसेट्रा, टू फैसिलिटेट सीक्रेट कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये ज्यादातर डिफेंस सर्विसेज में होता है, लेकिन सिविलियन सिस्टम में भी होता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गई, मोबाइल सिस्टम हो गई, इसमें भी इंक्रिप्शन होता है। मोबाइल में देखिए आप व्हाट्सएप वगैरह आप देखते हैं, वहाँ पे इंक्रिप्शन आपका इनेबल्ड होता है, क्योंकि अगर आपकी चैट किसी के पास जाएगी तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो ये मोबाइल सिस्टम में भी आपका होता है, जिससे कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो सीक्रेट रहे और प्राइवेसी आपकी बनी रहे। फ्लेक्स इनक्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, विच कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम http://flexcrypt.com। तो एक सॉफ्टवेयर है फ्लेक्सक्रिप्ट, जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने के काम में आता है। तो आप इसको चाहो तो इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिक्रिप्शन। सो डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको दोबारा से एक्चुअल फॉर्म में लेके आना। मतलब आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है, फिर दोबारा से इनक्रिप्ट डेटा को आप दोबारा से एक्चुअल फॉर्म में लेके आना, जैसे कि रीडेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम डिक्रिप्शन। ओके, तो आई होप आपको इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे टाइप को, हमने डिस्कस कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, हमने डिस्कस कर लिया है डिवाइस ड्राइवर्स, और हमने डिस्कस कर लिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को भी। तो ये जो सारे टाइप थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमने सॉफ्टवेयर कैटेगरी देखी थी उसके अंदर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जितनी भी कैटेगरी थी उन सारी कैटेगरी को हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस वीडियो में हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जितने भी टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करेंगे और उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का मैं पार्ट टू बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।